दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो किन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए जो मशीन नहीं लगा सकते, प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, उनके पास इतनी ज्यादा या तो पूंजी नहीं है पर वो काम करना चाहते हैं, या स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा कमाकर बाद में कुछ काम अपना बड़ा करना चाहते हैं, या हाल फिलहाल में जिनकी जॉब चली गई है या जिनकी सैलरी कम है, जो अपना खुद से व्यवसाय करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब इस वीडियो में देखिए बहुत सारी चीजें मैं क्या सिखाऊंगा जो मैंने खुद से काम करा है। मैंने उन चीजों से पैसा भी कमाया, उन पैसे को आपने आगे व्यापार में और चीजों में लगा दिया। आपको इस तरह का वीडियो टेक्निकल कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई इस चीज को बता सकता। कारण है उसका, क्योंकि जो कारीगर हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, या तो उनको टेक्निकल नहीं पता होता और जो टेक्निकल है उनको कारीगरी नहीं पता होती, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट होता है कर्टन रोड, पर्दे की जो रोड है। अब आप यकीन मानिए कि मैंने पर्दे की रोड जो लगाई है उसमें मैं, आप एवरेज भी 10% या 20% लगाएंगे, मैं 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत आएंगी, आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना, क्या क्या टूल आपको चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताता चलूंगा। और आज के करंट सिनेरियो में मैं जब के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं आपको, मैं ज्यादा भी कमाता था क्योंकि मेरे पास में वैट नंबर था। जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैट नंबर वाले जो होते हैं उन्हीं के टेंडर छूटते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोठी लाइन में जाएंगे तो आप एक घर से, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 5000 रुपए की बचत लेके जाएंगे मिनिमम। उसके लिए आपको करना क्या, देखिए छोटा सा एक पाइप का टुकड़ा जो लगता है वो लेके आएंगे, सैंपल हमारे यहाँ पहाड़गंज में मिल जाते हैं, आप लोग इंटरनेट पे जो है इनके डीलर देख सकते हैं। इसमें क्या आपको सेफ्टी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कर्टन की रोड लगाते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या चीज करनी होती है वो भी मैं बताऊंगा, मार्जिन कितना वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप, आपको ये सोच रहे होगा कि आपको बायर कहां से मिलेगा, तो बायर का तो मैं आपको ऐसा फार्मूला बता दूंगा कि बायर तो आपको रोज डेली 5-10 मिल जाएंगे, आपको एक का काम करना है, बाकी को आप मनाई कर देंगे। पहला स्टेप वो मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा। दूसरा आपको करना क्या है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है बायर के सामने, और एक पाइप का जिसको हम बोलते हैं छोटा सा टुकड़ा जो साइड में ब्रैक लगता है जिसपे वो होल्ड होता है उसे ब्रैकेट बोलते हैं, एक साइड में जो लट्टू लगता है उसको फिनेल बोलते हैं, और पेच ड्रिल, ड्रिल आपको चाहिए, पेच लगेगा, गिट्टी लगेगी। अब वो लगेगा कैसे, सबसे पहले मैं बेसिक आपको टेक्निक बता दूं। मान लीजिए ये चौखट है, जिस भी एरिया में लगनी है आप उसको कहां लगाएंगे, इसके कोने पे, तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पे भी चौखट का एंड है उससे 4 इंची छोड़ देंगे, आप 4 इंची इधर छोड़ेंगे, 4 इंची ऊपर छोड़ेंगे, आपको वहां पे ब्रैकेट लगाना है। पहली चीज, जहां पे भी चौखट है उससे 8 इंची आपको पाइप की लेंथ फालतू काटनी है। दूसरा स्टेप, आपको एक दोस्त और पकड़ना पड़ेगा, कोई भी आप अपना वर्कर ले सकते हैं, कोई भी पार्टनर बना सकते हैं। क्यों, आपने जब एक ब्रैकेट लगा दिया तो आपको पीछे खड़े होकर वो दूसरा बताएगा कि ये एग्जैक्ट है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, और सीढ़ी पकड़नी है, सीढ़ी फिसल ना जाए, क्योंकि सीढ़ी की भी जरूरत होती है। इसके लिए भी आपको एक दोस्त चाहिए होगा, आप पार्टनर भी बना सकते हैं उसे। तीसरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, पाइप की लेंथ आती है 20 फुट। अब पार्टी ने अगर पैसे नहीं दिए तो आप उसके साइज काट के नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडवांस लेना है, और एडवांस जिस टेक्निक से मैं आपको बायर का बताता हूं बायर कैसे मिलेगा। मैंने क्या किया, सिंपल जस्ट डायल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन मेरा 3-4 हजार रुपए महीने का था, उस पे मेरे को इतनी लीड मिलती थी, इतनी लीड मिलती थी कि मेरे को मना करना पड़ जाता था। आज भी वो फॉर्मूला चालू होगा क्योंकि जस्ट डायल जब से अब तक तो बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत लोग आ भी गए हैं, बहुत लोग उस पर और बायर भी आ गए हैं। बायर आपको कैसे पैसे देगा, आपको थोड़ा सा ही वो एडवांस देगा, आपको उसको अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं और चीज दिखा सकते हैं। अब 50,000 का कोई प्रोजेक्ट है और उसमें आपका 5-7-10 हजार रुपए का आपका मान लीजिए प्रॉफिट है, तो आप सारी लेंथ काट के नहीं ले जा सकते, और 20 फुट की लेंथ जो है रोड पर चलती है तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होती है, उस चीज को आप मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज आपको अगर लगता है, वो आप जज करेंगे, आपने इतना उससे मार्जिन ले रखा है कि आपको लॉस नहीं है, तो आप साइज जो नापना आप शुरू करेंगे नीचे से इस तरीके से शुरू करेंगे, और उन लेंथ को इस हिसाब से काटेंगे कि आपकी वेस्टेज ना जाए। ये हो गया दूसरा पॉइंट, लेंथ लंबी होने से कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है आप रोड पे चलेंगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप घर से अपने साइज काट के उसका लेके जाएं। ये हो गया दूसरा मॉड्यूल। अब दोस्तों यहीं से ही हमारा एक चीज और खुलती है,
कि क्या हम कमा पाएंगे, दिमाग में एक सवाल लग रहा है ना, 100% कमा पाएंगे, क्योंकि ये चीज हर घर में लगती है। आप रेशे वाली रोड लेंगे, अब स्टील की चलती है, पहले रेशे वाली चलती थी, अगर कम पड़ जाती थी तो रेशे का डिफरेंस आ जाता था हर लॉट में, तो इसलिए एक बार में हमको लेनी पड़ती थी ज्यादा। अब ये चीजें दिक्कतें तो बहुत आम कॉमन चलती रहती हैं। गिट्टी पेच आपको ड्रिल जो है वो हैमर वाली लेनी है, सब हैमर। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान लगाना है कि ये कहां पर इसका ब्रैकेट लगेगा, क्या वो कोई दीवार में बीम तो नहीं आ गया। आपको कितने फुट पे आपको एक सपोर्ट चाहिए, तो 5 फुट के आसपास में एक सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा लंबी रोड वो झूल जाती है। ज्यादा हैवी गेज है तो एक बात अलग है, 5 फुट 6 फुट ये कॉमन है, बहुत ज्यादा लंबी लेंथ में सपोर्ट आपको इस हिसाब से देनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे का भी नाप कह देते हैं, क्योंकि हमारा काम है रोड लगाने का, तो वो हमको बताएंगे कि साइज आपका। एक चीज सबसे बड़ी, आप कभी भी 1 फुट की भी चोरी नहीं करोगे, चाहे आपको 500 फुट का ऑर्डर मिला है, आप चाहे आपको 400 फुट का ऑर्डर मिला है। जब मैं काम करता था उस वक्त हमें 70-80 रुपए फुट का पड़ता था, और 125-150 जैसे ग्राहक फंस जाता था उस हिसाब से मिल जाता था, पर हमने कभी फुट में चोरी नहीं की, ना करनी चाहिए, क्योंकि कोई ये चीज सामने है ना पता जाएगी तो आपका व्यवहार हमेशा के लिए मार्केट में खत्म हो जाएगा। बेईमानी अगर जो कोई करना चाहता मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखे, मैं उन लोगों को बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ कि उनको कोई जरूरत नहीं देखने की, वो और दूसरे काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तीसरी चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज तय करने के बाद में आप उसका अपर वर्जन और अच्छी क्वालिटी ले जा सकते हो, ले जानी चाहिए, आप उसको लो ना करें, आप अपना मार्जिन कम कर लीजिए। एक बार करके देखिए, जब आपकी मार्केट बन जाएगी तो आपके पास में बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, और एक एक ऑर्डर आपको कंपनी का कहीं मिल गया, होटल का मिल गया, तो आपको बल्ले बल्ले है। 30,000 रुपए तो एक मिनिमम, मैं इससे बता रहा हूं कि आप एवरेज के हिसाब से कमा सकते हैं। इस तरह के वीडियो मेरे आपको आगे मशीन लगाने के, उद्योग लगाने के, आपको वेबसाइट किस तरह से बनानी है। अब बात आती है इस काम को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, या हम एक्सपोर्ट पे कैसे जा सकते हैं। तो हमारा देश स्टील के मामले में बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, जो स्टील के पाइप की लेंथ होती है वो भी एक्सपोर्ट होती है। जब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी तो आप इसमें निपुण हो जाएंगे, और फिर आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बेसिक बता दिया, ताकि जिसकी नौकरी चली गई है, जिसके पास बेचारे के पास काम नहीं है, वो कैसे ग्रो करें, ये मैंने उस ऑडियंस के लिए बनाया जो पैसे नहीं खर्च कर सकती, उनको बेसिकली हाथ से करने वाला काम चाहिए। ये सिंपल सी मैंने एक चीज बताई, सिंपल सा ये ही एक प्रोजेक्ट में काम करता है। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। इसी तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, आप काम करना चाहते हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स इसी तरह के लेकर आता रहता हूँ। मैं नवीन कुमार, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, धन्यवाद।